फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। हरियाणा में रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए सरसों की खरीद 21 मार्च से शुरू हो गई है, जबकि गेहूं, चने व जौ की खरीद 1 अप्रैल से होगी। किसान निर्धारित मंडियों में अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर इसे बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश में चने और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। उपार्जन केंद्रों पर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे। चने के मामले में देश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्पादन MP में है। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में सरकार ने चने का MSP 5,230 रुपए प्रति क्विंटल तक तय कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार कृषि विभाग के माध्यम से 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक चना, 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों और 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन तक मसूर खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस बार किसानों ने चने और गेहूं की अच्छी खेती की थी। चने की फसल इस बार प्रदेश में बंपर हुई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। देश में लंबे समय के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने आज से पेट्रोल और डीजल के भाव 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए ये 87 रुपए 37 पैसे इनके होंगे। कपास की बढ़ती कीमतों का असर आगामी खरीफ सीजन तक महसूस किया जाएगा। किसान पहले से ही खाद और डीजल की महंगाई से जूझ रहे हैं। खरीफ सीजन में कपास का रकबा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कपास का बीज बेचने वाली कंपनियों ने इसके दाम में वृद्धि करने का फैसला किया है। मार्च में महंगाई में काफी तेजी आई है। दूध से लेकर पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, CNG, फल सब्जियां और दाल, चावल, आटा सब महंगे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में महंगाई के और बढ़ने की आशंका है। डीजल के महंगे होने का असर सब चीजों पर पड़ता दिख रहा है। देश भर में मार्च महीने में ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ अपना कहर बरपा रही है। ऐसे में एक बार फिर सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जैसे जैसे गर्मी का असर तेज हो रहा है, वैसे वैसे सब्जियों के दाम में भी इजाफा देखने को मिलेगा। सब्जियों का राजा और आम लोगों के काम आने वाले आलू भी अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। मौसम की मार से किसान एक बार फिर परेशान है। अचानक तापमान में काफी बढ़ोतरी हो जाने के कारण गेहूं की फसलों पर प्रतिकूल असर दिखने लगा है। तीखी धूप और पछुआ हवा चलने से गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है। मौसम में आए बदलाव से पिछात गेहूं की उपज में 30 से 35% की कमी आएगी। इस साल राजस्थान में सरसों की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से सरसों पर स्टॉक सीमा लगाए जाने के कारण व्यापारियों में असंतोष है। व्यापारियों का कहना है कि स्टॉक सीमा के कारण प्रदेश में उत्पादन होने वाली सरसों को मजबूरन दूसरे राज्यों में सस्ते दामों पर बेचना पड़ेगा। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुँचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।